नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी, बिहार में जल्द ही पहला वानिकी कॉलेज खुलने वाला है, जो बिहार का तो पहला है लेकिन ये देश का दूसरा मात्र कॉलेज है जो कि जल्द ही बिहार में खुल रहा है। मुंगेर में इसके बनने की संभावना जताई जा रही है। खबरों की माने तो इसका निर्माण मुंगेर में हो रहा है। भवन निर्माण का काम अंतिम चरण में है। शोधार्थी भवन, विज्ञानियों के लिए आवास, क्लासरूम आदि बनकर तैयार भी हो गए हैं। प्रयोगशाला का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 25 सितंबर 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कॉलेज की आधारशिला रखी थी। श्रीकृष्ण सेतु की पहुंच पथ के ठीक बगल में कॉलेज भवन का निर्माण लगभग 96 एकड़ में चल रहा है। इसके साथ ही कॉलेज परिसर को पूरी तरह इको फ्रेंडली और भूकंप रोधी बनाया जा रहा है। निर्माण पर 231,83,32,000 की लागत संभावित है। सबसे खास बात यह है कि महाविद्यालय के अस्तित्व में आते ही राज्य में वन का विकास होगा। नवीनतम तकनीक के साथ पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से राज्य में वन क्षेत्र विकसित होगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच वातावरण को कृषि के अनुकूल बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही कॉलेज निर्माण के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि आने वाली पीढ़ी वानिकी को बढ़ावा देगी। राज्य के बच्चों का यहाँ दाखिला हो सकेगा। इससे मुंगेर ही नहीं बल्कि राज्य भर में वानिकी को बढ़ावा मिलेगा। युवा पीढ़ी वन विकास के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही इसकी पढ़ाई के लिए राज्य के बाहर जाने वाले युवाओं को राज्य में ही इस शिक्षा के अवसर मिलेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर से नवंबर तक कॉलेज विश्वविद्यालय को हैंडओवर कर दिए जाने की संभावना है, जिसके बाद बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से संचालित राज्य के पहले वानिकी कॉलेज में जल्द ही देश भर के शोधार्थी शोध करेंगे। एजेंसी के पदाधिकारियों की माने तो अक्टूबर या नवंबर तक वानिकी कॉलेज में पढ़ाई और शोध शुरू हो जाएगा। संभावना है कि अगले 5 से 6 महीने में वानिकी कॉलेज कृषि विश्वविद्यालय सबौर को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये तो हो गई कॉलेज निर्माण की बात। अब आइए आपको बताते हैं कि इस कॉलेज में क्या क्या खास होने वाला है। जानकारों की माने तो मुंगेर का वानिकी महाविद्यालय पूरे बिहार में अनोखा होगा। कॉलेज न सिर्फ कृषि, पर्यावरण, शिक्षा आदि का केंद्र होगा बल्कि इसकी आधारभूत संरचना भी देश दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करेगी। योग विद्यालय की तरह इसकी सुंदरता को देखकर ही लोग मुग्ध हो जाएंगे। वहीं इस कॉलेज में अब छात्रों को बीएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी पर्यावरण विज्ञान में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स पढ़ाया जाएगा। पहले सत्र में बीएससी फॉरेस्ट्री कोर्स में 3 दर्जन छात्र छात्राओं का दाखिला होगा। राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इसके लिए छात्रों का चयन भी किया जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।